मिलेगा। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे भैया कि इसमें क्या दिक्कत है, जो इधर का पेड़ जो है बढ़ रहा है, इधर का बढ़ नहीं रहा और इसमें जो है फूल रुक नहीं रहा है। फूल नहीं रुक रहा जी हाँ। और फूल फला रहे हैं बढ़िया से? जब फूल ही नहीं आएंगे तो फल कहाँ से दिखेगा? अच्छा, फूल यानी फूल कम आ रहे हैं, फूल भी जो है गिर रहे हैं। हाँ जी। और ये, और ये जो आप बगल में दिखा रहे हैं जिसमें ये आपका ये जाल बना हुआ है जी, ये और ये साथ में दोनों लगाए थे आप? नहीं, थोड़ा अंतर है। अच्छा, थोड़ा सा अंतर है। हाँ। लेकिन वो उसकी ग्रोथ बढ़िया हो रही है। हाँ, हाँ। और इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, बढ़वार कम हो रही। हाँ, है जी, हाँ। किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इनका कहना है कि ये जो है आधा खेत इनका थोड़ा सा पहले लगा हुआ है, दो चार दिन पहले, उसकी बढ़वार भी अच्छी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये लगा हुआ है, जाल बना हुआ है, इसकी बढ़वार बढ़िया है, इसमें फूल भी आ चुके हैं, फल भी बनना शुरू हो गया है। और ये आधा इधर का जो है इसमें जो है फूल भी बहुत कम है और तीन चार दिन का मात्र अंतर है, तो इसके पौधों की बढ़वार भी कम है। किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं जानकारी देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि इसमें जब कभी कभी तो ऐसा होता है कि खेत में जो है कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जिनकी वजह से ये अपना भोजन, उनकी कमी की वजह से अपना भोजन पूर्ण रूपेण से नहीं बना पाते हैं, इस वजह से इनकी बढ़वार नहीं होती है। किसान भाइयों, इनकी बढ़वार यानी कि कल्ले का फुटाव, फूल अधिकतम आना, फूल आएगा तो फल भी अधिकतम आएंगे, इन सभी समस्याओं के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ किसान भाइयों, कि मार्केट में जो व्यापारिक रूप से कुछ कंपनियाँ अपनी जो है हार्मोन्स बेचती हैं, PGR बेचती हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बेचती हैं, जैसे कि किसान भाइयों, जिसे देसी भाषा में आप टॉनिक का नाम दे सकते हैं, जो किसान भाई कहते हैं कि बढ़वार नहीं है हमारे इसमें पौधों में, कल्ले का फुटाव नहीं हो पा रहा है या फूल कम आ रहे हैं, तो किसान भाइयों इसे टॉनिक बोलते हैं। जैसे कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप सजेंटा कंपनी का, यदि आपके पौधे की बढ़वार कम हो रही है, फूल भी कम आ रहा है, कल्ले में फुटाव भी कम है, तो किसान भाइयों आप सजेंटा कंपनी का ईसा बयान के नाम से दवा जो आती है उसका 30 ml प्रति 15 लीटर पानी, यानी कि 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें। आप इसका छिड़काव 2 बार कम से कम ज़रूर करें। उसके अलावा किसान भाइयों, आपको जो है ये एक सुमीटोमो केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का होसी के नाम से एक दवा आती है जिसमें जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है किसान भाइयों, 30 ml प्रति 15 लीटर पानी, यानी 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, यदि आपको आपके नज़दीकी मार्केट में जो बीज भंडार या दवा की दुकानें हैं, कीटनाशक की दुकानें हैं, उस पर ये दोनों दवाएँ नहीं मिल पा रही हैं, तो आप धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड ला सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद में आप जो है बिल्लोवुड कंपनी का ब्रांड SL ला सकते हैं किसान भाइयों। आप जो है इसके अलावा कई प्रकार की दवाएं आती हैं, जैसे आपको जो है ये नागार्जुना कंपनी का अटोनिक के नाम से एक दवा आती है, वो आप ला सकते हैं किसान भाइयों। वो जो दवाएँ हमने बताई हैं, इन दवाओं की लगभग सभी की मात्रा जो है 2 से 3 ml प्रति लीटर, अगर आपके टमाटर में कोई अन्य समस्या है जैसे झुलसा वगैरह है, या मान लीजिए फूल गिर रहे हैं, या मान लीजिए कि जैसे इसमें और कोई अन्य काले दाग धब्बे बन रहे हैं, तो साथ में आप कोई बढ़िया फंगीसाइड इसके साथ, या आपके इसमें माहू वगैरह का प्रकोप है, तो इसमें कोई कीटनाशक हल्का फुल्का डालें, लेकिन ऐसा कीटनाशक डालें कि टमाटर की फसल में जो है इनका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, जैसे कि फूल का गिर जाना या पत्ती का दवाओं के प्रभाव से पीला पड़ जाना, ऐसी कोई समस्याएं ना होने पाए। किसान भाइयों, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आपकी फसल में आपकी पौधों की बढ़वार कम है, फूल कम आ रहे हैं, कल्ले का फुटाव नहीं हो पा रहा है, तो आप जो कि आप लोग टॉनिक के नाम से जिसे बोलते हैं, इसको लाकर आप इसकी धुलाई कीजिए, छिड़काव कीजिए, और जो भी दवा लाइए आप कम से कम इसका 2 बार धुलाई करें, छिड़काव करें एक एक हफ्ते पर। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।